अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर। लास्ट हमने इसी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास है जी ए पी, ये हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास है ये ए पी, अगर हम इसको ऐसे लिख लें ए पी, अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास ए जो है वो हमारे पास बन जाएगा ए पी, जिसको ए रेज पर क्यू ऊपर गया तो ये माइनस क्यू बन गया, ठीक हो गया। और इसके साथ पी प्लस क्यू वैसे ही, फिर इधर ए क्यू और ए क्यू और ये ए आर ऊपर गया तो ये ए माइनस आर बन गया, क्यू प्लस आर, तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं। इसी तरह देखिए बेस सेम है, इधर भी है इधर भी है, तो हमारे पास आ जाएगा पी प्लस आर। मैंने बताया हुआ है कि जब बेस सेम हो तो बेस को, बेस एलिमेंट को वन टाइम लिख लेंगे और पावर ऐड कर देते हैं। तो इसकी जो पावर है पी माइनस आर, तो इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट वही काम, बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो पावर को ऐड करना था लेकिन दरमियान में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसको ऐसे लिख लिया, ये वैसे ही आ गया। नेक्स्ट हमारे देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, तो ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट ये, तो ये हमारे पास है फाइव इंटू, देखें अब हमारे पास वही सीन बन गया, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब फर्स्ट हमारे पास है पी प्लस आर और सेकंड है पी माइनस आर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट अब ये देखें जी, इधर भी पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू वही सीन, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इधर भी वही सिनेरियो, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब डिवीजन है, सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए इधर भी ए है इधर भी ए है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, दोनों सेम हैं, तो इनको वन टाइम लिखेंगे और पावर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाई वन ओवर पी इंटू ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको वैसे लिख लेंगे। अब ये पी क्यू स्क्वायर प्लस माइनस से कट गए तो फिर हमारे पास रह गया ए रेज टू पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी इंटू ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ऊपर नीचे सेम आ रहा है तो ये कट गया तो हमारे पास इधर रह गया वन ओवर फाइव, तो ये बस इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगर वो क्वेश्चन है हमने सिंपलीफाई करना है इसको, क्वेश्चन 6 को, तो आपको पता है कि जब इधर भी है इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा काम मज़ीद आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए टू एल, जब इसको ऊपर ले गए तो ये माइनस में माइनस भी चला जाएगा एल प्लस एम, ठीक हो गया। इसी तरह इसको a रेज टू पावर टू एम, जब इस a को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस इंटू एम प्लस एन, इसी तरह ये a रेज टू पावर टू एन और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस इंटू एन प्लस वन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या काम करना होता है, बेस सेम है वन टाइम ऐड कर लें पावर टू एल माइनस इंटू एल प्लस एम, इसी तरह ये बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो जब ऐड किया तो हमारे पास एम प्लस एन आ गया। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर लेते हैं ऐड, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, इधर भी ए है इधर भी ए है इधर भी ए है, तो हम क्या करते हैं ए को वन टाइम लिख लिया और पावर सारी ऐड कर लेंगे, ये सारी ऐड कर ली। अब हम देखते हैं इसमें कोई मजीद कटता है तो काट लेते हैं, बाकी वैसे छोड़ देंगे। तो अब हमने क्या करना है ए रेज टू पावर टू एल,
माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया 2m। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस m माइनस n और ये 2n, ये माइनस अंदर माइनस n माइनस 1। तो ये देखें 2l में से एक l निकाला तो हमारे पास रह गया सिंगल l, तो ये माइनस m है, ये भी माइनस m है, तो ये मेरे पास हो गया 2m और ये प्लस का 2m वैसे लिख लेंगे। ये माइनस n है, ये भी माइनस n है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा अच्छा सॉरी, ये इधर ना ये n वन नहीं है, l ही है ये, ठीक हो गया। तो एक l ये था, ये थोड़ा सा दोबारा कर, ये भी l ही है, तो ये हमारे पास आ गया 2l, ये l और ये l माइनस 2l, ये माइनस m, ये भी माइनस m माइनस 2m और ये प्लस का 2m, ये n और ये n माइनस के दोनों, तो माइनस 2n और ये प्लस का 2m, इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब मजीद ये प्लस का 2l, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये माइनस का प्लस का कट गया, तो सारा ज़ीरो हो गया। तो हमें पता है कि जब किसी की पावर भी ज़ीरो आ जाती है तो वो सारे का सारा जो उसका आंसर बनता है वो मेरे पास क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। जी डियर स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसलिए हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो देखें ये ए एम है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम, तो ये जो फॉर्म है 3√3 है तो ये 1/3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सेकंड वाले को ऐसे 3 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो हमारे पास ए एम और ये नीचे से ऊपर गया तो ये माइनस एन और इसके 1/3। इसी तरह ये है, ये हमारे पास क्या है कि ए एन हमारे पास दिया गया है और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास माइनस एल हो जाएगा, तो इसकी पावर 1/3। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, देखें बे सेम है तो पावरें जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड, तो एल माइनस एम होल पावर 1/3। अब क्या करना है, इसकी भी पावर बे सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसके भी इसको क्रॉस लगा दें सर, तो इसकी पावर सेम है और इस तरह से हो जाएगी। अब इधर भी ए है, इधर भी बेस में ए है, इधर भी ए है, जब सब के साथ ए है तो आपने क्या करना है, ए ही लगा लेना है, ठीक हो गया। इधर आपने ए है, ए ही लगा लेना है और जो जो पावर हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो एल माइनस एम ओवर 3 प्लस एम माइनस एन ओवर 3 प्लस एन माइनस एल ओवर 3। ये इनके बटे में ही आ रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होगा तो बटे में ही आएगा इसके, या आप एक स्टेप कर सकते हैं इधर से, हम ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे एल माइनस एम ओवर 3, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें एम माइनस एन ओवर 3, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एन ओवर एन माइनस एल ओवर 3, ठीक हो गया। तो ये बेस सेम होगी तो पावर हम ऐड कर लेंगे, इधर भी ऐड हो गया, इधर भी ऐड कर ली और इधर भी हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड हो गया। अब सब देखें, सब में प्लस आ रहा है, जो ये फ्रैक्शन भी है तो हम इसका एलसीएम कर लेंगे, हम इसका एलसीएम करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और सब को ऐड कर लेंगे, 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 1, तो 1 को एलिमेंट्स एम से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा, इसी तरह इसको करेंगे तो आंसर 1 और ये वैसे ही एम माइनस एन आ जाएगा, इसी तरह ये एन माइनस एल आ जाएगा, तो ये एल एल से कट गया, एन एन से कट गया, एम ओ एम से कट गया, तो हमारे पास आ गया ए एस टू पावर 0/3, तो आपको पता है सारा 0/0, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1, तो ये इसका आंसर आ गया। आज हमारी जो एक्सरसाइज है, जो रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, वो कंप्लीट हो गई है, मैंने सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं, फिर भी इसी एक्सरसाइज में या इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हुई है उसमें कोई मसला हो, पिछले चैप्टर में कोई मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।